यूपी में अगर आपने बीडीओ का फॉर्म भरा था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी का, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527 पत्ते, ग्राम विकास अधिकारी के 362 पत्ते, इसका री एग्जाम होने जा रहा है आपका 26 और 27 जून को, इसके एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, मैं हूं आपका दोस्त नितेश। इसका थोड़ा डिटेल और देख लेते हैं। कुल जो एग्जाम होगा वो 737 केंद्रों पर होगा और 4 पालियों में होगा, और 25 मार्च 2021 को इसका एग्जाम रद्द हो गया था। आपको पता है अनियमितता के आरोप लगे थे। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एग्जाम में 14 लाख मेरे भाई बहन बैठे थे। अब ये एग्जाम 2021 के बाद जब रद्द हो गया था, 2023 में अब हो रहा है, इस बीच काफी एग्जाम हो चुके, तो काफी सारे भाई बहन और जगह सेलेक्ट हो गए होंगे, तो बैठने वाले कैंडिडेट की संख्या कम हो सकती है, तो मेरिट भी थोड़ी सी कम जा सकती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन आपकी तैयारी कैसी है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप मार्किंग कैसी ला पाएंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और ग्राम पंचायत अधिकारी का री एग्जाम का जो डेट है वो 26-27 जून को एग्जाम में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। वहाँ अपना नाम, नंबर, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई करवा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट थोड़ी कम जाएगी, कैंडिडेट भी थोड़े कम बैठेंगे, क्योंकि 2 साल बाद एग्जाम हो रहा है, री एग्जाम का शेड्यूल बहुत लेट हुआ है। इसमें 14 लाख भाई बहन बैठने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूज़ वीडियो में फिर मिलूंगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।